नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के साइंटिस्टों और डीआरडीओ ने आज एक ऐसा हथियार बनाया है जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए अकेला ही काफी होगा और इसके बाद भारत आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाएगा और भारत को किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत के डीआरडीओ के बनाए इस हथियार के बारे में। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट कौन सा है, तो बेशक आप सभी अमेरिका के F-22 रैप्टर का नाम लेंगे और यदि मैं कहूं कि F-22 रैप्टर फाइटर जेट खतरनाक नहीं है, तो आप सभी कहेंगे कि यह गलत बात है। F-22 रैप्टर जितना खतरनाक फाइटर जेट दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो दरअसल दोस्तों, क्या होता है कि कोई फाइटर जेट खतरनाक नहीं होता, उस फाइटर जेट को खतरनाक बनाते हैं उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसमें लगने वाले विध्वंसक हथियार, जिसके दम पर दुश्मन या विश्वास हो जाता है कि इस फाइटर जेट के हथियारों और इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। और इसमें हथियारों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना हथियारों के एक जो फाइटर जेट है वो एक यात्री एरोप्लेन की तरह होगा और दुश्मन पर जब हमला ही नहीं कर पाएगा तो फाइटर जेट किस काम का। और फाइटर जेट में प्राथमिक तौर पर जो विध्वंसक हथियार लगे होते हैं वो होती है मिसाइलें और फाइटर जेट से गिराए जाने वाले बम। जिस प्रकार बंदूक के लिए गोली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसीलिए किसी भी फाइटर जेट के लिए बॉम्ब ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आजकल कई सारे देश क्या कर रहे हैं कि दुश्मन पर हमला करने के लिए कई सारे बॉम्ब की जगह पर केवल एक ही बॉम्ब बना रहे हैं जो कि 10 बॉम्ब के बराबर तबाही मचा सके। और दोस्तों, इसी क्षेत्र में भारत का डीआरडीओ भी अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत को यदि एयर स्ट्राइक करनी पड़ती थी तो भारत को इजराइल से स्पाइस 2000 नाम के बॉम्ब चाहिए थे और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था और यही भारत के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बन सकता था, क्योंकि यदि छिड़ गई तो भारत को दूसरे देश से बम मंगाने पड़ेंगे और दुश्मन हमारे ऊपर हमला करके तक चला जाएगा। और दोस्तों, इसी का हल निकाला हमारे डीआरडीओ ने और डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसा बम बनाया गया है जो कि अकेला ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकता है। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ ने एयर स्ट्राइक करने के लिए भारत का एक स्पेशल बम बना लिया है जो कि 10 छोटे छोटे बम के बराबर तबाही ला सकता है और यदि इससे हम अपने दुश्मन पर हमला करेंगे तो दुश्मन के किसी भी बड़े से बड़े एयरफोर्ट, दुश्मन के सैन्य प्रतिष्ठान, यहाँ की दुश्मन सैनिकों के बंकरों को एक ही बार में तबाह कर सकता है। इसके जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, वो इस प्रकार है कि यह वजन 5 क्विंटल वजनी है और 1.9 मीटर लंबा है। इसके साथ ही इसमें 10,300 की संख्या में स्टील के छोटे छोटे छल्ले लगे हुए हैं जो कि 50 मीटर की रेंज में कितनी ही मजबूत कंक्रीट से बनी हुई दीवारों को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। और इसीलिए दोस्तों, डीआरडीओ का यह बॉम्ब एक गेम चेंजर बताया जा रहा है और भारत का एयर स्ट्राइक वाला हथियार बताया जाएगा, क्योंकि दुश्मन जहां पर कई सारे बम लेकर आएगा वहीं पर भारत इसके जवाब में केवल एक ही बम फोड़ेगा और दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। और दोस्तों, इस बम को भारत ने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है जो कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को मिलेगा और एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना स्वदेशी बमों का इस्तेमाल करेगी। बाकी डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है इस घातक बम के ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिर राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।